Здрасте, можно? नमस्ते नमस्ते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि रशियन लैंग्वेज कितनी इजी है और इसको मैंने कैसे सीखा। तो मैंने अभी मेरी टीचर से बात करी है, वो अभी क्लास में है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ जाके। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं कि कैसे कितनी ईजी है और कितनी हार्ड है। इंग्लिश को ही बताते हैं, यहाँ पर इंग्लिश कितनी आती है। ओके रास्ते मोजना। सो ये है मेरी टीचर रशियन की। ओके सो आज इनसे बात करते हैं कि कितनी इजी है और कितनी हार्ड है रशियन। ओके सो गाइस देखो, मैं अभी बैठा हूँ मेरी टीचर के साथ में और उनसे पूछते हैं कि रशियन लैंग्वेज हार्ड है या सिंपल है। तक मैं वो प्रोस्त रूस की जिक था प्रोस्त ही त्रुदना। Любой язык – это трудно. Ага. Конечно, нужно много работать, чтобы хорошо говорить. Вы должны каждый день изучать новые слова, ходить на уроки, слушать внимательно преподавателя и делать все, что говорит преподаватель. Тогда это трудное дело вы сможете преодолеть. सो वही बोला कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर लैंग्वेज हार्ड होती है जब तक अपन उसको जानेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हार्ड है बट प्रैक्टिस करते करते नॉर्मल हो जाती है। ओके सो सेकंड क्वेश्चन माय थर्ड वापस था कग द चिलाविक पेरवरस वरशिया तक द तकतोरी स्लोवा था नूजना जनाइ। Конечно, это этикет. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. Ситуация в банке, в магазине, общение с преподавателем. So, मेरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम पे जो भी स्टूडेंट यहाँ आता है या फिर कोई भी बंदा आता है, कोई भी आदमी आता है या फिर कुछ कोई भी आता है, तो उसको कौन सी वर्ड्स जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला एक तो प्रीवियत इट मीन्स हाय हेलो, और स्पसीबा थैंक यू, पज़ारुस्ता प्लीज़, और मैगजीन बैंक वगैरह ये नॉर्मल वर्ड है, उनको पता होना चाहिए। और जैसे एक चाहिए तो या खाचू दा नियत इत दा इत यस नो इट मीन्स नियत तक, इसे नॉर्मल वर्ड। सो गाइस जो भी यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा है और जो भी स्टूडेंट यहाँ रह रहा है, तो मैं उसके लिए एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जो बहुत हेल्प करती है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, चाहे उसको हिंदी आती हो या फिर कोई भी लैंग्वेज आती हो, इंग्लिश से रशियन या फिर कोई भी लैंग्वेज। मैं बता देता हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसका नाम है लिंगो ऐप एंड इसके अंदर आप बहुत आसानी से कोई भी जैसे नॉर्मल वर्ड से लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसमें बिगिनर्स के लिए और जो थोड़ी बहुत आती है उसके लिए लैंग्वेज है। जैसे कहते हैं कि कैसे काम करता है, आपको एंटर करना है अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये बोल के दिखाएगा, इसमें हिंदी मतलब जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उन बहुत लैंग्वेज में लिखा रहेगा और कितनी स्पीड से बोलना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो ये आदमी के लिए बोला, तो सब कुछ एक एक वर्ड बोल के दिखाएगा और अगर आप रोजिनस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से लैंग्वेज आ जाएगी। Это предложение для русских, которые изучают, хотят изучать иностранные языки? Да, конечно. Там много языков, что языка там? इन्होंने पूछा कि दूसरे मतलब हमारे रशियन लोगों के लिए भी है क्या इसमें दूसरी लैंग्वेज भी है, तो हाँ ये है, सबके लिए है, इसमें कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करके अपन सीख सकते हैं नई लैंग्वेज। तो गाइस पूछते हैं कि कितना हार्ड होता है रशियन लैंग्वेज, कितने टाइम लगता है रशियन सीखने में। तक मैं वापस तक हाउ मच टाइम इट टेक टू लर्न रशियन। रूसकी язык можно изучать всю жизнь. ये पूरी साल के लिए मतलब हमेशा लाइफ भर सीख सकते हैं। Но через один год вы можете изучить русский язык, овладеть так, чтобы комфортно жить в России. तो इन्होंने बोला अगर अच्छे से अपन पढ़ते हैं सीखते हैं तो एक साल काफ़ी, अगर अपन नॉर्मली बात करना चाहे रशिया में और पता जैसे कुछ सामान वगैरह का पूछना है तो नॉर्मली एक साल बहुत है उसका आराम से यहाँ रहने के लिए, एक साल सीखने के लिए। तक माय सेकंड क्वेश्चन व्हेन द लाइक अदर कंट्रीज स्टूडेंट यू टेक फर्स्ट टाइम द क्लास ऑफ अदर कंट्री देन हाउ इट्स हार्ड, लाइक व्हाट इज़ द हार्ड इन दैट, इट इज़ हार्ड और सिंपल नॉर्मल। Первый урок, самый трудный урок. Студенты слышат звуки русской речи. Это очень трудно, это новые звуки. Знакомиться с русским курсивом, да, с русскими рукописными буквами. Это трудно. Но
уроки русского языка интересные. Студенты с интересом погружаются в мир русского слова, и ну, через год мы видим результат, они хорошо говорят по-русски. इन्होंने बोला कि जब फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर ऑफकोर्स वह हार्ड होता है क्योंकि रशियन जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट होता है नॉर्मल, और जो लिखने के अंदर भी है वो भी बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो कर्सिव में लिखते हैं तब अलग ही लिखावट आती है और जब नॉर्मल लेटर में लिखते हैं तब अलग लिखावट आती है, तब बहुत हार्ड होता है मतलब पढ़ाना। और ये बोल रही है कि इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली जब ये रशियन टीचर फर्स्ट क्लास लेती है तो, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट से मिलना, कैसा वो सोचते हैं वो सब कुछ करना, और फिर ग्रुप में मिल के काम करना। और ये बोल रहे कि रिजल्ट देख ही रहे हो 4 साल में तुम कैसे रशियन में बात कर रहे हो, वैसे मेरे को इतनी अच्छी रशियन आती नहीं है। रशियन में सबसे हार्ड होता है वो है लिखना, कि इसको लिखते कैसे हैं। एक तो नॉर्मल अपन लिख सकते हैं और एक होता है कर्सिव राइटिंग में। तो मैं पूछता हूँ कि सो टेल मी हाउ हार्ड इट इज़ टू राइट इन कर्सिव राइटिंग एंड लाइक नॉर्मल, कैन यू शो मी समथिंग हाउ टू राइट? Хорошо. Например, слово стоматолог. Печатное его. Okay, I will show you from the back camera. Сто ма то лог стоматолог. Дехо. Ye hai normally jo hota hai na normally wala. और ये है कर्सिव राइटिंग। अब देख रहे हो यहाँ पे टी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये भी टी लिखा हुआ है, एम जैसा दिख रहा है बट ये टी है, और ये एम है, ये यू जैसा दिख रहा है। तो ये इतना हार्ड है रशियन में लिखना। Сейчас напишу слово, которое очень трудно прочитать иностранному студенту. Очень много одинаковых элементов. Как это почерк нормально так весь? Так, это будет шишка. Шишка. तो देखो ये इन्होंने कर्सिव में लिखा है ऊपर वाला और ये नॉर्मल, तो देख रहे हो कितना हार्ड है लिखना कर्सिव रशियन लैंग्वेज। ये एक सोच लो ये बहुत हार्ड शब्द है ऐसे मतलब लिखना और पढ़ना। आई वॉन्ट टू आस्क लाइक विच कंट्री स्टूडेंट को किस तरह स्टूडेंट गवारी सोचिन खराशा पर उसकी Это индивидуально, да? Есть очень хорошо говорящие студенты из Индии, из Китая, из африканских, южноафриканских стран. Не важно, какая это страна, важно, как студент работает, как студент старается. So I ask, मैंने उससे पूछा कि कौन से कंट्री के स्टूडेंट जल्दी रशियन सीखते हैं, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी नॉर्मल है, जो जितना प्रैक्टिस करता है उतनी तेज सीखता है। इंडियन भी अच्छा बोलते हैं तो चाइनीज भी अच्छा बोलते हैं और अफ्रीकन भी अच्छा बोलते हैं, इसलिए बोला। Какой ваш родной язык? Индийский. Ну, скажите что-нибудь тоже, я повторю, будете моим учителем вы сейчас. Да, хорошо, ну, на индийском это первый раз, как здравствуйте или привет, так это намасте. Намасте. Да, намасте. Намасте. И потом, кэсэ хо. Кэсэ хо. Да, это как дела. И когда хорошо, тогда тик ху. Тик ху. Тик ху. Тик ху. Нет, не тик ху. Тик ху. Тик ху. Преподавателю тоже трудно. Все, если хамаре ли рашен хаде, то инке ли хинди хаде. Окей. Это индийский очень сложный язык тоже. Мне было, что индийский language also very different. Вы знаете, но индийский это много языков. Да, да, да. Ну да, ну так я знаю, так мой язык, я знаю много языков, индийский много языков. Так индийский язык, как хинди, это что знает, что человек знает. Шубхам, расскажите, а вам нравится изучать русский язык? Ну да, I like it. Вы хотите еще лучше научиться говорить по-русски? Конечно. I want to learn it better as much as I can, and I try to speak with Russian people, and sometimes it helped me a lot to learn Russian language actually. So guys, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि रशियन लैंग्वेज कितनी हार्ड है और कितनी सिंपल है। आप ये लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप सारे लैंग्वेज सीख सकते हो जो भी आप चाहते हो। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, इससे हेल्प मिलेगी सबको। तो और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद।